नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 500 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो TCS पैटर्न पे है, उसका पार्ट 4। और इसमें आज हम लोग क्वेश्चन 200 से 300 लगभग कोशिश करेंगे एक वीडियो में। मैंने पार्ट 1 से 4 तक अपलोड किया हुआ है, तकरीबन 200 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज हम 200 के बाद क्वेश्चन देखेंगे और ये हम लोग जल्दी से जल्दी 500 GK के क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि ये अगर आप कोई भी ऑनलाइन एग्जाम देने जाएँ अभी अपने स्टेट का हो, बैंकिंग का, SSC, रेलवे, जो हमेशा TCS के पैटर्न पे ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, कई बार रिपीट होते हैं, तो इसलिए चलिए ये शुरू करते हैं। तो चलिए बिना किसी समय को व्यर्थ किए हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो हमने 200 तक ये कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग 200 के बाद कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं 201 क्वेश्चन क्या है हमारा, देख लेते हैं। गरमा इज़ फेमस फोक डांस, गरबा कहाँ पे है? सबसे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, गुजरात का गरबा डांस। तो डांस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर एक बार पूछता है, तो ये सब फेमस डांस है। गरबा हो गया, लावनी हो गया, ये महाराष्ट्र का हो गया, तो ये सब फेमस डांसेस और कई बार रिपीट होता है ये सब, इसलिए ये यहाँ पे भी पूछा गया है। और गरबा जो नवरात्रि के समय में डांस किया जाता है, 9 फॉर्म्स ऑफ गॉडेस दुर्गा के लिए, है ना। लावनी हो गया महाराष्ट्र का। फिर पंडित शिव कुमार शर्मा हु इज़ ए रेसिपिएंट ऑफ पद्म विभूषण, देखिए पद्म विभूषण भी मिला हुआ इन, ये इनको पूछ रहा है कि कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संतूर। संतूर वो बजाते थे, मतलब इंस्ट्रूमेंट जो प्ले करते थे। विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हरिप्रसाद चौरसिया, चौरसिया जी का काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम रिपीट में होता है, फ्लूट से ये रिलेटेड है, चौरसिया जी का याद रखिएगा। वही द लाइन ऑफ कैंसर जो है 23 डिग्री है, तो 30 नॉर्थ, तो ये पास थ्रू, देखिए 8 हमारे डिस्ट्रिक्ट से पास, माफ़ करिएगा, 8 राज्य से पास करता है, और ये 8ों का आपको याद रखना है। आप यहाँ से अगर स्टार्ट करें वेस्टर्न पार्ट से, तो राजस्थान हो गया, फिर गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये पूरे 8ों है जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास होता है। विच लॉन्गिट्यूड डिटरमाइन द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो डिटरमाइन करता है 82.5 ईस्ट से हम लोग बात इसे करते हैं। फिर बात करते हैं 2007 वाला क्वेश्चन, 207 क्वेश्चन। तो मोजली द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड लाइज इन द स्टेट ऑफ, देखिए लार्जेस्ट रिवर आइलैंड जो है आपका आसाम में लाई करता है। उसी के बाद फिर 2008 धुआंधार फॉल एंड कपिल धारा फॉल इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर, धुआंधार और कपिल धारा फॉल जो है नर्मदा रिवर के पास सिचुएटेड है, मतलब नर्मदा रिवर पे ये फॉल सिचुएटेड है। वहीं की बात करें हीराकुंड डैम जो है महानदी रिवर पे बनाया गया है, हीराकुंड डैम काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। 50 मतलब ये इतना फेमस है कि 5 नहीं मैं बोलूँगा 50 बार ये रिपीट हुआ होगा, हीराकुंड डैम का ये रिलेटेड है। 210 वाला क्वेश्चन देखिए, नेम द क्रॉप सीजन इन विच ओपन्स एट नॉर्थ वेस्ट मानसून इन मई जून एंड हार्वेस्टेड अराउंड अक्टूबर एंड मेजर क्रॉप लाइक राइस एंड मिलर्स, राइस और मिलर्स की जैसी बात की तो खरीफ क्रॉप ये जानते हैं राइस, लेकिन यहाँ पूछा हुआ है कि हार्वेस्ट होता है मई जून में, है ना, मई जून में, माफ़ करिएगा, मई हार्वेस्ट जो है आपको अराउंड अक्टूबर में होता है और इसकी जो है सोइंग जो है मई जून में हो जाती है, मतलब ये खरीफ क्रॉप है, राइस और मिलेट इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड रिफाइनरी जो है हमारा, सबसे पुराना ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड रिफाइनरी है डिगबोई आसाम में है। ऑन विच आईलैंड इंडियाज ओनली एक्टिव वॉल्किनो सिचुएटेड, इंडियाज एक्टिव ओनली वॉल्किनो जो सिचुएटेड है वो बैरन आईलैंड है उसका नाम, और अंडमान आईलैंड में है वो। तो एक्टिव वॉल्किनो की बात करें तो मतलब एक्टिव है पूरा, मतलब अभी भी वहाँ से इरप्शन होता है वॉल्किनो का। वहीं अगर बात करें व्हाट बायोस्फीयर रिजर्व वॉज फर्स्ट टू बी इस्टेब्लिश्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है पहला बार भारत सरकार द्वारा बनाया गया था। इन विच स्टेट मानस नेशनल पार्क, तो मानस नेशनल पार्क है आसाम में, तो आसाम में और भी है नेशनल पार्क जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, नामेरी भी है, औरंग भी है, ये सब सारे आपके आसाम में है नेशनल पार्क। 216 क्वेश्चन की बात करें, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, इसकी तो कोई मतलब है, ये तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, हर एक बार पूछा जाता है। इन इंडिया द प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर जो 1973 में स्टार्ट की गई थी, द विच प्लानट डू नॉट हैव सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड देम, तो मर्क्यूरी और वेनस के पास कोई सैटेलाइट नहीं है, मार्स के पास 2 सैटेलाइट है, फोबोस और डीमोस, अर्थ के पास 1 है जो मून बोला जाता है। 2019 की अगर बात करें तो ब्रेकिंग अप द डिके ऑफ एक्सपोज रॉक्स बाई टेम्परेच
चेंजेस, फ्रॉस्ट एक्शन, प्लांट एनिमल्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज इज नोन एज, देखिए जो वेदरिंग जो होता है इसमें सारे एक्टिविटीज के कारण जो है ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स होता है, ये सारे प्रोसेस हैं जिससे मतलब वेदरिंग इन्वॉल्व होता है। तो जिसमें टेम्परेचर का एक्शन है, प्लांट्स एनिमल का मतलब के प्रभाव से, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के प्रभाव से वेदरिंग होता है रॉक का, तब जाके वो सॉइल बनती है, उसी को वेदरिंग प्रोसेस बोलते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट डीपेस्ट ओशन, तो पैसिफिक ओशन जो हमारा लार्जेस्ट भी है और डीपेस्ट ओशन भी है, पैसिफिक ओशन को बोलेंगे हम लोग। 221वां क्वेश्चन की बात करें तो सॉइल फॉर्म्ड बाय लीचिंग एंड ऑक्सीडेशन बिकम्स मोस्ट फर्टाइल इनफर्टाइल। देखिए जब इनफर्टाइल सबसे बात करते हैं, लैटराइट होता है इनफर्टाइल सॉइल, और एलुवियल जो है आपका सबसे फर्टाइल सॉइल है, मतलब तो उपजाऊ सबसे ज़्यादा एलुवियल है, और लेटराइट सॉइल जो है इनफर्टाइल होता है, उपजाऊ बहुत कम होता है। इंडिया हैज़ टेकन द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू जो है कानून में, वो कहाँ से लिया गया है, वो USA से लिया गया है। अंडर विच आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ सिटीजन कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया इफ इट्स फंडामेंटल राइट्स आर ब्लीच्ड। ठीक है, अगर फंडामेंटल राइट्स पे अगर कोई ब्रीच होती है तो आर्टिकल 32 जो है, इसको सोल ऑफ आर्टिकल भी बोलते हैं, उसके तहत आप इसे कर सकते हैं। प्रोविजन ऑफ एनी डिस्क्रिमिनेशन, देखिए प्रोविजन ऑफ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हो, कास्ट, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, कम्स अंडर फंडामेंटल राइट जो आता है ना, ये राइट ऑफ टू इक्वलिटी के अंतर्गत आता है। विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डायरेक्टिव स्टेट प्रिंसिपल, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है पार्ट 4 में है, काफ़ी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, इसको तो आप 100% याद कर लीजिए। वहीं बात करें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ट्रिपल स्टार मार सकते हैं, विच रिट्स प्रोवाइड अ रिमेडी फॉर पर्सन हु हैव बीन अनलॉफुली हेल्ड इन प्रिजन। देखिए प्रिजन में किसी को अनलॉफुली फुली डाला जाए तो वो हैबियस कॉर्पस के थ्रू आपको अपील कर सकता है। तो ये 5 तरह के रिट आपको पता ही होंगे जो हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हैबियस कॉर्पस उसमें से एक है। अब बढ़ते हैं हम लोग 228वें क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 80 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राज्यसभा कैन हैव मैक्सिमम, देखिए मैक्सिमम राज्यसभा का जो सीट है 250 होता है, जिसमें 250 मेंबर्स में से मेंबर्स हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट्स एंड स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से 238 ही मतलब होते हैं, और 12 जो है हमारा वो शायद प्रेसिडेंट आपका नॉमिनेट करते हैं, 238 मैक्सिमम आपका कर सकते हैं 250 में। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट इन जनरल एंड टू द लोकसभा। देखिए पार्लियामेंट और लोकसभा के वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे मिनिस्टर्स, ये बताया गया इसमें आर्टिकल 75 में। वहीं बात करें मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस फर्स्ट इन विच हाउस, देखिए लोकसभा में पहली बार इंट्रोड्यूस होता है, वही बोले मनी बिल को हम लोग पहले लोकसभा में करते हैं फिर राज्यसभा, जब दोनों अप्रूवल हो जाते फिर प्रेसिडेंट मोहर बना के उसे एक्ट बन देते, वही बात किया गया है यहाँ पे। तो मनी बिल पहले लोकसभा में होता है पारित। व्हाट इज़ द टर्म ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर को 6 इयर्स के लिए मेंबरशिप दी जाती है। इन विच आर्टिकल द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोसीडियर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, देखिए इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट की बात की गई है, तो आर्टिकल 61 में। प्रेसिडेंट का रिमूवल नहीं बोलते हम लोग, प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट बोलते हैं, अगर उनको हटाने का कोई प्रोसेस को बोलते हैं इम्पीचमेंट, तो आर्टिकल 61 के तहत ये बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं हम लोग 233, जिसमें बताया गया हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट आर प्रोक्योर्ड बाय होम, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट जो है वही सबसे हेड है प्रेसिडेंट, द गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो प्रेसिडेंट का बहुत बड़ा योगदान है गवर्नर में भी अपॉइंट करने में। पंचायती राज सिस्टम वाज फर्स्ट अडॉप्टेड बाय, पंचायती राज सिस्टम जो है राजस्थान में सबसे पहले अडॉप्ट किया गया था। ये सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं कई बार रिपीट हुए हैं TCS ऑनलाइन एग्जाम में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। द समर कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट इज एम्पावर्ड टू सेटल इलेक्शन डिस्प्यूट्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, दिस इज इट्स ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया वॉज लीला सेठ, ये सब आपको याद रखने हैं, लीला सेठ फर्स्ट हाई कोर्ट की आपके चीफ जस्टिस थी। अब यहाँ पे बात करें विच ऑफिस ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अ राइट टू टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इवन दो ही इज नॉट मेंबर, देखिए इवन वो मेंबर है भी नहीं पार्लियामेंट का फिर भी वो पार्ट ले सकता है ना, वही बात की गई है। तो ये होता है आपको अटॉर्नी जनरल को कर सकते हैं, ये वो ऐसे ऑफिसर होते हैं जो प्रोसीडिंग में पार्लियामेंट प्रोसीडिंग में पार्ट ले सकते हैं, वो हालांकि वो मेंबर नहीं होते, ऑफिसर होते हैं गवर्नमेंट के, लेकिन फिर भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया उसमें पार्ट ले सकते हैं, वही बताया गया। फॉर विच पीरियड द फाइनेंस कमीशन इज़ फॉर्म्ड,
फॉर विच पीरियड, तो कितना फाइनेंस कमीशन फाउंड होता है 5 साल के लिए। 240वें क्वेश्चन की बात करें, हु कॉन्स्टिट्यूट्स द फाइनेंस कमीशन आफ्टर एवरी 5 ईयर, हर एक 5 साल के बाद जो कौन करता है ये, तो प्रेसिडेंट जी करते हैं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर इंडियन सिटीजन गारंटीड द राइट ऑफ 6 फंडामेंटल राइट। देखिए जो हमारा 6 फंडामेंटल राइट है उसको गारंटी करता है आर्टिकल 19। विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस गुड सर्विस टैक्स, GST। काफ़ी लेटेस्ट है, मोदी सरकार जब आई थी तो 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 में जो हुआ था उसके अंतर्गत GST को लाए पारित किया गया था। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एडेड पार्ट 9A, देखिए 9A द म्यूनसिपैलिटीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था 1993 में ये हुआ था। नेक्स्ट बात करें 244 का, हु डिक्लेयर नेशनल फाइनेंशियल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं हमारे फाइनेंशियल इमरजेंसी को। बैंकिंग, कुरियर, रियल स्टेट, ट्रांसपोर्ट कंसल्टेंट, ये सारे जो हैं, बैंकिंग हो गया, कुरियर, रियल स्टेट वगैरह, ये टर्शरी सेक्टर में आते हैं, ना ही कि प्राइमरी ना ही कि सेकेंडरी, ये टर्शरी सेक्टर है, ये सर्विस प्रोवाइडर्स है एक तरह से, इसलिए ये टर्शरी सेक्टर में आते हैं। प्राइमरी है आपका एग्रीकल्चर वगैरह हो गया। एन इकोनॉमी इन विच देयर इज़ नो फ्लो ऑफ लेबर्स, गुड्स एंड मनी, देखिए जब यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है, कोई इकोनॉमी में ना फ्लो ऑफ लेबर्स हो रहा है, ना गुड्स, ना मनी, ना सर्विसेज, तो उसे क्लोज इकोनॉमी बोलेंगे। द सिचुएशन इन विच टोटल रेवेन्यू इक्वल टू कॉस्ट, देखिए सारा रेवेन्यू और जो कॉस्ट है जो बराबर हो जाए तो उसे ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। वाट इज़ द 4 मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के 4 ये यंत्र हैं समझिए, जिसमें लैंड होना चाहिए, लेबर होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए और इंटरप्रेन्योर होना चाहिए, ये 4 फैक्टर हैं प्रोडक्शंस के। 249 क्वेश्चन देखें, द एवरेज प्रोडक्ट कर्व मार्जिन, प्रोडक्ट कर्व, एवरेज वैल्यू कॉस्ट कर्व, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व आर इन्वर्स शेप। देखिए इन्वर्स शेप यू मतलब कि आपका इस तरह का कर्व होता है, इसलिए इसकी बात की इन्वर्स यू शेप। द कमोडिटी मार्केट हैज़ ए डैश स्ट्रक्चर इफ देयर इज, देखिए कमोडिटी मार्केट की बात की है और किस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए, जिसमें ये बताया गया है कि एक सेलर होगा कमोडिटी का, कमोडिटी हैज नो सब्स्टिट्यूट एंड एंट्री इनटू द इंडस्ट्री बाय अदर फॉर्म और प्रिवेंट, तो ये मोनोपोली बोला जाता है उसको, एक पूरे कमोडिटी पे हक, एक सबसे मोनोपोली। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करेंसी नोट्स, नोट्स मॉनेटरी सिस्टम अंडर मिनिमम रिजर्व सिस्टम, मिनिमम रिजर्व सिस्टम के तहत वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंसी नोट्स को इशू करती है। रैपिड इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज इज नोन एज, देखिए रैपिड इंटीग्रेशन कंट्रीज के बीच में जो होता है उसे ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। व्हाट इज एसआई यूनिट टेम्परेचर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, बट डिग्री सेल्सियस कर देते हैं, लेकिन यहाँ केल्विन होगा एसआई यूनिट। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर फोर्स, वेलोसिटी एंड स्पीड ऑफ विंड इज एनेमोमीटर बोलते हैं इसको, जो स्पीड नापता है फोर्स का भी, वेलोसिटी का भी, स्पीड ऑफ विंड का भी। द ऑयल इन द वीक ऑफ एन ऑयल लैम्प राइजेज अप ड्यू टू, देखिए वीक है मतलब थिक, मतलब एक पतला सा कोई पाइप है उसमें जो आप जैसे सटाएंगे वो ऑयल उसमें राइज करेगा, उसको कैपिलरी एक्शन बोलते हैं, मतलब बिना कोई फोर्स के कैपिलरी एक्शन के कारण उस पाइप में, वो थिन पाइप में ऑयल हो या वाटर भी कभी कभी हो जाता है, उसको कैपिलरी एक्शन बोलते हैं, जो तुरंत सटाने से ही किसी लिक्विड में वो राइज करता है वाटर या लिक्विड। अब देखते हैं ओजोन लेयर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ प्रोवाइड्स शील्ड अगेंस्ट, देखिए ओजोन लेयर जो है अल्ट्रावायलेट रे यूवी, जो हार्मफुल यूवी है रेज है, जो हमारा यूवी रेज है वो हार्मफुल होता है, क्योंकि उसमें बहुत ही रेडिएशंस होते हैं और वो स्किन हमारे स्किन के लिए काफ़ी डेंजरस है, स्किन कैंसर भी होता है उससे, तो उसी से ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करता है। 257 क्वेश्चन देखते हैं, एट व्हाट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, देखिए सेल्सियस और फ़ारेनहाइट कौन से टेम्परेचर पर बराबर होता है, तो -40 डिग्री पे, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, 50 बार ये रिपीट हुआ होगा, 50 बार। टाइप ऑफ मिरर यूज इन ऑटोमोबाइल टू सी ट्रैफिक, देखिए ऑटोमोबाइल्स में जब आप किसी भी कार में देखे होंगे साइड में जो मिरर होता है ना आपके ड्राइविंग सीट के बगल में, तो उसमें कॉन्वेक्स मिरर लगा रहता है ताकि आप पीछे ब्रॉड एरिया भी एक छोटे से मिरर में देख सकें। वॉट टाइप ऑफ लेंस यूज टू करेक्ट विजन पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, मायोपिया में क्या होता है कि सामने वाला आपको दिखता है और नहीं दिखता है और दूर वाला दिखता है, तो वही है यहाँ पे मायोपिया को आप करेक्ट कर सकते हैं, आप हमारे कॉनकेव लेंस है, इसे नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। नियर साइटेडनेस क्यों बोलते हैं कि नियर वाला क्लियर दिखता है
है ना, लेकिन दूर वाला नहीं दिखता है, इसीलिए बोलते हैं नियर साइटनेसनेस, नियर वाला ही दिखेगा, वही मायोपिया बोलते हैं, जिसे कॉन्वेक्स लेंस से सही कर सकते हैं। ब्लूज, ये क्वेश्चन मतलब कई बार साइंस का क्वेश्चन अगर किसी सब्जेक्ट में है आपका, कोई भी सिलेबस में, तो ये क्वेश्चन पूछता है ब्लूज कलर ऑफ स्काई क्यों होता है, तो स्कैटरिंग और शॉर्टर वेवलेंथ के कारण सनलाइट का, सनलाइट इन दी एटमोसफेयर, स्कैटरिंग, इसका सही आंसर स्कैटरिंग हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 261वें क्वेश्चन की देखें, ऑप्टिकल फाइबर केबल में है, उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ये कम्युनिकेशन होता है, टोटल इंटरनल इंटरनल में पूरा मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है इसमें, तो वही उसकी बात करिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण ये केबल कम्युनिकेशन करती है। डायनेमो, डायनेमो क्या है, डायनेमो अगर कई बार साइकिल में बच्चे लगा देते हैं, और डायनेमो का काम है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बढ़ना, तो डायनेमो एक तरह से एक जनरेटर है छोटा सा। मीन प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस इन गैसेस स्टेट इन टू लिक्विड स्टेट, गैस को लिक्विड में बदलने की बात कही है ना, तो स्टेट ड्यू टू चेंज इन प्रेशर और टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस ड्यू टू, देखिए कंडेंसेशन में क्या होता है, गैसेस जो है आपका, गैसेस जो है कंडेंस होके लिक्विड में बन जाएगा, वही बात की गई है, कंडेंसेशन होगा। सावर मिल्क कर्ड कंटेन, देखिए खट्टा दही जो है वही बात की है, या खट्टा दूध या दही की बात करें तो लैक्टिक एसिड होता है उसमें, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कारण वो जमता है, वो भी याद रखिएगा। द कार्बन बेस्ड सब्सटेंसेस यूज इन मॉडर्न डे पेंसिल्स इज, कार्बन बेस्ड सब्सटेंस जो कि आपका पेंसिल में यूज होता है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट ही पेंसिल में यूज होता है, जो कि कंडक्टर भी होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी आपको शॉक भी लग सकता है, वो कंडक्टर, प्योर कंडक्टर, और इलेक्ट्रिसिटी भी होता है ग्रेफाइट। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन जो है 90% होता है, एंड लोवेस्ट परसेंटेज ऑफ वॉलेटाइल मटेरियल इज फाउंड इन विच फॉर्म ऑफ कोल, देखिए एंथ्रासाइट में परसेंटेज ऑफ कार्बन 90% होता है, वही बात की गई है। एंथ्रासाइट, बिटुमिनियस और कोर, ये तीन तरह के कोल होते हैं, जिसमें एंथ्रासाइट में 90% आपका होता है कार्बन कंटेंट। 267 क्वेश्चन देखें, विच गैस इन इट्स सॉलिड स्टेट इज नोन एज ड्राई आइस, ड्राई आइस, तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, कई बार पूछा होगा, 50 से 100 बार इसको पूछा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं ड्राई आइस। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट दैट कैन कॉज कैंसर और मेंटल डिजीजेस एंड पॉल्यूट द एयर इज अ बिग इन एयर ऑफ ए बिग सिटी, उसको बोलते हैं लीड, लीड एक तरह से खराब आपका कॉन्स्टिट्यूएंट है जो ऑटोमोबाइल से एग्जिस्ट करता है, जो कैंसर का भी एक रूप धारण करवा सकता है आपके शरीर में। मिल्क ऑफ मैग्नीजिया को दूसरे नाम से मैग्नीजियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीजिया याद रखिएगा, ये भी कई बार रिपीट हुआ है, 50 नहीं तो कम से कम 20-25 बार तो आया है। इन वल्कनाइजेशन प्रोसेस रबर कैन बी हार्डन बाय, देखिए रबर को अगर हार्ड करना है उसको वल्कनाइजेशन प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है, और वल्कनाइजेशन में आपको सल्फर उसमें ऐड करना पड़ता है, ये याद रखिएगा। व्हाट इज दिस केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा मैंने आपको ठीक बताया, बेकिंग मतलब अब देखिए सोडियम बाई कार्बोनेट, बेकिंग मतलब बाई कार्बोनेट याद रखिएगा, सोडियम बाई कार्बोनेट। अब देखिए 272 क्वेश्चन है, केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, काफ़ी आसान क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट लिविंग फ्लाइटलेस टॉलेस्ट बर्ड, देखिए एक फ्लाइटलेस मतलब उड़ नहीं सकता है लेकिन सबसे बड़ा होता है ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच एक का भी सबसे बड़ा होता है, और इस ऑस्ट्रिच एक का सेल ही सबसे बड़ा सेल पाया जाता है पूरे ब्रह्मांड में, तो ये भी याद रखिएगा। फाइव किंगडम्स क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर, देखिए फाइव किंगडम का क्लासिफिकेशन जो है रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर ने दिया था। इंजाइम्स, इंजाइम्स क्या है, एक प्रोटीन है, टाइप ऑफ प्रोटीन है दैट एक्ट्स एज एन क्रिस्टल्स विद इन द लिविंग सेल्स, तो इंजाइम्स क्या है, एक प्रोटीन है। सेलेक्ट द वाटर सोल्यूबल विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन जो है आपका विटामिन बी और सी है, जो कि वाटर में भी सोल्यूबल हो जाता है। विच डिजीज इज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो बीमारी होती है वो होती है रिकेट्स, जिसे डिफॉर्म्ड बोन्स की बीमारी भी बोला जाता है। इफ वेस्ट मटेरियल कंटेमिनेट द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर विच डिजीज विल स्प्रेड, देखिए अगर वाटर में से कोई बीमारी होती है तो टाइफॉइड होती है, जिससे वाटर ड्रिंकिंग वाटर में कंटामिनेशन हो जाने के कारण टाइफॉइड बीमारी होती है। वट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज टाइफॉइड, टाइफॉइड जो है आपका बैक्टीरिया के वजह से फैलता है और होता है। जॉन्डिस इज अ कॉज ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ, देखिए जॉन्डिस की बीमारी जो है आपका लीवर में होता है, उसी में इन्फेक्शन होने के कारण लीवर में वो जॉन्डिस की बीमारी होती है। बाइल इज सिक्रेट सिक्रेटेड प्रोड्यूस बाय लीवर, देखिए बाइल जूस जो हमारा लीवर में ही प्रोड्यूस होता है, जो प्रोड्यूस होता है बाय लीवर में और गॉल ब्लैडर में, बाइल जो है स्टोर रहता है।
बाइल जूस जो है आपको पाचन क्रिया के सुधारने के लिए इम्पोर्टेंट रसायन है। 282 क्वेश्चन की बात करें तो बोथ होमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन रिक्वायर आयरन। देखिए ग्लोबिन हेमो मतलब आयरन ही होता है, तो इसी से आपको याद रखना आयरन होता है उसमें फॉर दी फॉर्मेशन। द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी जो है नेफ्रोन होता है ना, न्यूरोन नहीं होता है, न्यूरोन आप कन्फ्यूज नहीं करें, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रोन होता है जो कि ब्लड प्योरिफिकेशन में हेल्प करता है। व्हाट नेम वॉज असाइंड टू द वर्ल्ड फर्स्ट क्लोन ऑफ एन एडल्ट शिप बाय द ब्रिटिश साइंटिस्ट। देखिए पहला जो फर्स्ट क्लोन जो है एडल्ट शिप का हुआ था उसका नाम था डॉली। द पिगमेंट दैट गिव्स ह्यूमन स्किन हेयर एंड आई कलर। देखिए कौन सा पिगमेंट ह्यूमन स्किन को हेयर को और आईज को कलर देता है, तो मिलेनिन उसको बोलते हैं, मिलेनिन। तो पिगमेंट दैट गिव्स ह्यूमन स्किन हेयर एंड आईज देयर कलर, कलर प्रोवाइड करता है जो पिगमेंट का नाम है मिलेनिन। दैट हैज द हाइस्ट प्रोटीन कंटेंट पर ग्राम, तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, ये आपको याद रखना है, सोयाबीन है ना रिच सोर्स। और वही नॉन वेज की बात करें तो एग में सबसे ज़्यादा रिच सोर्स जो प्रोटीन है। क्लोव द कॉमनली यूज स्पाइस इज ऑब्टेन फ्रॉम, देखिए क्लोव जो जो लॉन्ग जिसको बोलते हैं है ना, लॉन्ग आप कई बार खाए होंगे, इस तरह का शेप लंबा शेप में होता है, स्पाइसेस में जनरली इस्तेमाल होता है, तो वो फ्लावर बर्ड है, वो फूल की एक तरह से कली है, वो मसाले में इस्तेमाल की जाती है। 228 288 की क्वेश्चन की बात करें, डैश इज कॉल्ड एन एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, ब्रायोफाइटा को बोलते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। जिंजर टर्मरिक एंड ऑनियन आर मॉडिफाइड स्टीम, जिंजर हो गया, टर्मरिक हो गया, प्याज हो गया, लस और जिंजर आपका टर्मरिक मतलब हल्दी और अदरक जो है ये मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टेम होते हैं तना के। द स्ट्रक्चर इन द सेल विच कंटेन लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट जो है क्लोरोप्लास्ट को में होता है, ये इसे लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट को। विच इज़ द यूजुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, देखिए यूजुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट जो होता है फ्लावर होता है। हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है, बच्चों में भी आपने पढ़ाई होगा जब कंप्यूटर क्लास किए होंगे, तो सबसे पहले फादर ऑफ कंप्यूटर पढ़ाया जाता है चार्ल्स बेबेज। व्हाट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, सीपीयू को बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को बोलते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। आप 294 क्वेश्चन देखते हैं, ऑल द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर इज डन बाय अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट ALU जिसको बोलते हैं। अब बग इज अ प्रोग्राम इज एरर, बग किसी प्रोग्राम में होता है तो उसको एरर बोला जाता है कंप्यूटर टर्म में। विजेंद्र सिंह, शिवा थापा, वैभव यादव, दुरेंद्र सिंह नेगी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, तो ये सारे बॉक्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हैं आपके पर्सन्स। द वर्ड जंप बॉल, फ्री थ्रो, ले अप शॉट इज एसोसिएटेड विद बास्केटबॉल, बास्केटबॉल से ये सारे टर्म्स हैं, जंप बॉल, फ्री थ्रो, ले अप शॉट, ये सब आपका। अब देखिए अब हम लोग लास्ट पेज में पहुंच गए हैं जिसमें हम लोग देखेंगे 298 क्वेश्चन और 299 और 300, ये तीनों क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 298, 299 और 300, उसके बाद हम लोग ये वीडियो समाप्त करेंगे, हमारा पार्ट 5 है ये हमारा लेक्चर का। तो हम्पी, कोनेरू, दिव्येंदु बरुआ, मैग्नस चार्ल्स एंड आर प्रेगनंद आर एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, तो ये सारे हैं चेस प्लेयर हैं। फिर से आप नाम देख लीजिए, ये सारे आपको, मैग्नस चार्ल्स तो काफ़ी फेमस है और आर प्रेगनंदा और हम्पी कोनेरू, दिव्येंदु बरुआ, ये सारे चेस प्लेयर हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक नेम्ड द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स काफ़ी फेमस बुक है, अरुंधति रॉय जी ने लिखा है इसे। द लाइफ डिवाइन इस बुक रिटन बाय द लाइफ डिवाइन जो है आपका श्री अरबिंदो जी ने लिखा है। दिन से एक क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये महात्मा गांधी की काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है, 100 बार मैं तो बोलूँगा क्योंकि बुक से रिलेटेड में क्वेश्चन मिलता है हमेशा, 50 बार मान लीजिए ये तो रिपीट जरूर हुआ होगा। तो ये है हमारा आज पार्ट 5 कम्प्लीट हुआ और इसमें 200 से 300 क्वेश्चन हम लोग कम्प्लीट कर दिए हैं, मतलब टोटल 100 क्वेश्चन इस सेट में हम लोग को हो चुका है, तो टोटल हम लोग 300 क्वेश्चन अब कम्प्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग जो है आपका जल्दी पूरा 500 हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें अगर आप इस तरह का अपडेट हमारे चैनल से पाना चाहते हैं, तो धन्यवाद।